Welcome to online class once again. In our last meeting, we have studied about the low level of economic development under colonial rule, means first topic of Indian economy and the first unit, Indian economy on the eve of independence. This is our first topic, and today we are going to study about the second topic, that is agriculture sector under the British colonial rule. Let us start agriculture sector under the British colonial rule. India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. Means जब British लोग यहाँ पर आए थे उससे पहले ही भारत के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते थे. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. भारत में निवास करने वाली 85% देश की पॉपुलेशन गाँव में रहती थी और अपना जीवन यापन डायरेक्टली खेतीबाड़ी से या इनडायरेक्टली खेतीबाड़ी से ही उनका जीवन यापन संभव हो पाया करता था. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यहाँ पर आ गए थे उसके बाद जितनी प्रोडक्टिविटी पहले थी अब उससे लो हो गई थी. उसका रीज़न है, अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रू द एब्सोल्यूट टर्म्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस्ड मोर ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन. हालांकि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर एरिया में एक्सपेंशन हुआ था और एग्रीगेट एरिया बढ़ा था. हाउ एवर द प्रोडक्टिविटी बिकम्स लो. लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी अभी भी लो ही थी. द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन डिस्पाइट द फैक्ट्स दैट द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन इट फॉर सब्सिस्टेंस. इट मीन्स इतना लार्ज एरिया भी, इतना बड़ा पॉपुलेशन पार्ट जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, स्टिल रुकावटें थी. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं देते थे. नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन अंडर लो प्रोडक्टिविटी. इट मींस ये कारण बताए गए हैं एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, मतलब कृषि में जो रुकावट थी और जो लो प्रोडक्टिविटी थी उसके क्या कारण थे. वही कारण हम यहाँ पे पढ़े. इसका फर्स्ट कॉज है जमींदारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट. रेवेन्यू यानी कर, कर चुकाने के लिए जो सिस्टम था वो जमींदारी सिस्टम था. पढ़ेंगे अपन इस सिस्टम को. द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड सेटलमेंट के यानी भूमि के बंटवारे के और रेवेन्यू सेटलमेंट यानी कर के अलग अलग रूल्स नियम बनाए थे. द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल प्रेसिडेंसी. अंडरलाइन कर लेंगे इसको. जमींदारी सिस्टम बंगाल प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुआ था. कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट, जिसे कि आज ईस्टर्न स्टेट्स माना जाता है. तो उसका फर्स्ट पॉइंट था द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदारी इंस्टीड ऑफ कल्टीवेटर्स. जो भी प्रॉफिट खेती बाड़ी के जरिए होता था वो सारा प्रॉफिट जमींदार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था. कल्टीवेटर्स यानी किसानों को कुछ भी नहीं मिल पाता था. हाउ एवर नथिंग वॉज डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. जब इतना टैक्स देने के बाद भी जमींदार लोग कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का कोई भी रीज़न नहीं पैदा करते थे. एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था. द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स. इट मीन्स जमींदार का मेन इंटरेस्ट केवल रेंट इकट्ठा करने में होता था, जो कि टैक्स के रूप में कल्टीवेटर्स को देना पड़ता था या किराए के रूप में देना पड़ता था. लेकिन कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था. दिस कॉजेज इमेंस मिसरी एंड सोशल टेंशन अमंग द कल्टीवेटर्स.
इसके कारण उन लोगों में सामाजिक असुरक्षा का भाव पैदा होता गया, क्योंकि हमें यह सब पता है कि किसान की जो खेती बाड़ी है वह सब मानसून पर डिपेंड करती है। अगर मानसून अच्छा हुआ या और कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई तो फसल बहुत अच्छी होगी, और इसके बैक रीजंस में फसल पूरी ख़राब हो जाएगी। लेकिन एक ज़मींदार को इन सभी कारणों से कोई मतलब नहीं होता था, उसका काम केवल रेंट इकट्ठा करना होता था, उसकी खेतीबाड़ी को इम्प्रूव करने के ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं होता था। सेकेंड रीज़न वी हैव लेक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मीन्स जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था तब इरीगेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्लस कोई न्यू टेक्नोलॉजी को खेती में इम्प्रूव करने के लिए नहीं अडॉप्ट किया गया। पढ़ेंगे अपन, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर यूज़ हुआ करता था फर्टिलाइज़र्स का। वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये सब कारण थे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था, इरीगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं किया जाता था, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाता था। इट मीन्स अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम अपनी फसल को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स अगर हम नहीं डालेंगे तो हम अपनी फसल को ख़राब ही करेंगे। इट मीन्स हमारी फसल कीड़े मकोड़ों के द्वारा ख़राब हो जाएगी, और यही उस समय हुआ करता था, क्योंकि ज़मींदार का इन सारे न्यू टेक्नोलॉजीज पर या इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर कोई ध्यान नहीं होता था। नेक्स्ट वी हैव थ्रू देयर वॉज सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ क्रैश क्रॉप। लेकिन फिर भी हमें कुछ एरियाज़ में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं बैक हिस्ट्री से जिसमें कि हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स मिला है, यानी कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन उस समय हाई था इन सर्टेन एरियाज़ ऑफ द कंट्री ड्यू टू द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कॉमर्शलाइजेशन के कारण ही ऐसा हाई यील्ड था, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन ऐसा कमर्शलाइजेशन होने से भी फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। एज इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप नाउ देवर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप विच वर बी अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। इट मीन्स जो कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया था ब्रिटिश रूल ने, वो केवल इसीलिए ताकि वो कैश क्रॉप से जो रॉ मटेरियल होगा वह रॉ मटेरियल वो लोग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को भेज सकें और तैयार माल को भारत भेज सकें। इट मीन्स यहाँ तक कि भारत में फूड क्रॉप्स पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। इट मीन्स जो गेहूँ, बाजरा, चना, मक्का, इन सभी चीज़ों के लिए भी भारत को विदेशों की दया पर रहना पड़ता था। इट मीन्स मर्सी ऑफ यूएसए। यूएसए में जो वीट प्रोड्यूस होता था वही वीट भारत लाया जाता था, और भारत में पैदा होने वाला गन्ना, कपास रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटिश कंट्रीज़ में जाता था और तैयार माल बन करके भारत आता था। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक एंड द थर्ड पॉइंट, लेक ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स रिसोर्सेज की भी कमी थी। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डीसेलनाइजेशन ऑफ सॉइल। इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी उसमें बहुत ही नीड थी इन्वेस्टमेंट की, ताकि टेरेसिंग पर इन्वेस्ट किया जाए, फ्लड कंट्रोल बाढ़ को रोकने के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, डीसेलनाइजेशन ऑफ सॉइल मतलब जो क्षारीय मिट्टी हो जाती है जो किसी भी तरह के कल्टीवेशन में काम नहीं आती है, तो ऐसे डीसेलनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। वाइल अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कॉमर्शियल क्रॉप। और हमने देखा कि उस समय कुछ किसान जो थे उन्होंने अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदल दिया। इट मीन्स जहाँ पर पहले वो गेहूँ, बाजरा और मक्का बोया करते थे वहाँ पर अब वो कॉमर्शियल क्रॉप्स बोने लगे थे, यानी इंडिगो और गन्ना और कपास, जो कि ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स करते थे
पैदा करने के लिए। ए लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शॉपकीपर्स, शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। यहाँ तक कि जो फार्मर्स थे, छोटे फार्मर्स या कुछ टेनेंट्स या कुछ स्मॉल फार्मर्स, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ना ही रुपए थे कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें।